नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान सागर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया डेंगू वायरल बुखार के बचाव क्या क्या हैं और डेंगू वायरल बुखार के प्रकार क्या हैं और डेंगू वायरल बुखार क्यों फैलता है। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं यदि किसी व्यक्ति को डेंगू वायरल बुखार हो गया है तो घरेलू और आयुर्वेदिक उपचारों के द्वारा उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको डेंगू बुखार है तो आपको मेथी के पत्ते इस्तेमाल करने चाहिए। इस्तेमाल कैसे करने हैं? मेथी के पत्ते को पानी में डालकर उबाल लें। उबालने के बाद पानी को छान लें और उसके बाद चाय की तरह उसको सेवन इसका करना चाहिए। दोस्तों, जब तक आप डेंगू की बीमारी से ठीक न हो जाएं, जब तक इसका रोज़ाना 2 से 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा पपीते के पत्तों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। पपीते के पत्तों का इस्तेमाल कैसे करना है? पपीते के पत्तों को पहले पीस लें, उसके बाद इसका रस निकाल लें और इसके रस को आप थोड़ा सा पानी मिलाकर, शहद मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी आपको दिन में 2 से 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों, डेंगू बुखार में पपीते के पत्तों का रस सबसे आम और असरदार उपायों में से एक है। पपीते के पत्ते विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इसके कारण आपको डेंगू बुखार में बहुत ही फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको गिलोय के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, 1 कप गर्म पानी में गिलोय के पत्तों को डालें और उसको अच्छी तरह से उबाल लें और इसके बाद इसको छान लें और इसको छान के और इसका आपको सेवन करना चाहिए। दोस्तों, यह भी आपको रोज़ाना 1 से 2 बार इसका सेवन करना चाहिए। यदि ऐसा करने से आपकी प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी और आपको डेंगू बुखार का खतरा कम हो जाएगा। दोस्तों, तुलसी के पत्तों का आप इस्तेमाल करें। तुलसी के पत्तों को 2 कप पानी में उबाल लें। इसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालें। 5 मिनट के उबालने के बाद इसको छान लें। मिश्रण को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें और इसके बाद स्वाद के हिसाब से आप इसमें शहद मिला लें और फिर इस मिश्रण का आप सेवन करें। दोस्तों, दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन करें। तुलसी न सिर्फ पूजा के लिए बल्कि औषधीय गुणों के लिए से भी भरपूर होता है। इनकी पत्तियों में कुछ अद्भुत औषधीय गुण होते हैं जिसके उपयोग से हम संक्रमणों से दूर रह सकते हैं। इसकी पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। दोस्तों, इसके अलावा बकरी का दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप बकरी का दूध गर्म कर लें, उसको ठंडा करने के लिए रख दें और जब वो गुनगुना हो जाए तो आप उसका सेवन करें। आप इसमें हल्दी डाल के इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि जोड़ों के दर्द में इससे बहुत ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, नीम के पत्तों का आप इस्तेमाल करें। 1 कप पानी में नीम के पत्ते डालकर उबाल लें। अब नीम के पानी को छान लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब नीम का पानी गुनगुना हो तो इसमें शहद मिलाकर इसका आपको सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आपको गोल्डन सील का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, 1 गर्म पानी में 1 चम्मच गोल्डन सील की जड़ों को मिलाएं। जड़ों को 5 से 10 मिनट तक पानी में रहने दें। अब इसे किसी कप में छान लें और इसमें शहद मिलाकर इसको पीना चाहिए। दोस्तों, गोल्डन सील चाय के कई आश्चर्यजनक लाभ हैं जिनमें से एक डेंगू का उपचार भी शामिल है। इसके अलावा यह डेंगू में होने वाली अन्य परेशानी जैसे उल्टी या जी मसलाने जैसी समस्याओं में भी फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, यदि डेंगू की समस्या आपको है तो अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में अमरूद के पत्तों को उबाल लें। अब इस पानी को छान लें। इसके अलावा आप पके हुए अमरूद का जूस भी पी सकते हैं या फिर आप सीधे अमरूद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डेंगू के बुखार के दौरान ब्लड प्लेटलेट्स में तेज़ी से गिरावट आती है। ऐसे में अगर अमरूद के पत्तों या पके हुए अमरूद का जूस का सेवन किया जाए तो ब्लड की प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। सेब का जूस इस्तेमाल करें, यानी एप्पल का जूस इस्तेमाल करें। 1 कप सेब का रस लें, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और इस मिश्रण को रोज़ाना 2 से 3 बार आप पिए। ऐसा करने से आपको डेंगू की समस्याओं में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ इसको शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।